इस समारोह में बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस मिलन समारोह में कांग्रेस के पूर्व AICC सदस्य नीरज हेब्रम और कांग्रेस OBC मोर्चा के स्टेट कोऑर्डिनेटर राजकुमार यादव के नेतृत्व में 200 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जहां बाबूलाल मरांडी ने सभी को माला पहना कर स्वागत किया। देखिए कितने लोग जो है तो आपके सामने हैं और मुख्य रूप से जिनके नेतृत्व में तो राजकुमार यादव जी है, नीरज हेब्रम जी है और फिर हेब्रम जी, ये तीन लोगों के नेतृत्व आज 300 से अधिक लोग आए जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग योगदान किए ये सभी कौन से निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ क्योंकि आज तो बड़ा शुभ दिन है मकर संक्रांति का दिन। सर ने कहा कि भाई आज सूर्य भी अपनी दिशा को बदल रहा है और आज के दिन में सारे लोग व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आने वाला 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, तो राजमहल लोकसभा अपनी दिशा को बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी खाते पाए। बहुत ही दिनों से देखा जा रहा है कि लोगों को वैकेंसी नहीं निकल रही है, फिर छोटे मोटे कामों के लिए भी ब्लॉक में उन लोगों को बहुत दौड़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं और न्यूज़पेपर में भी आता है कि यहाँ पे जितने भी क्रशर हैं वो सही से काम में नहीं लाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो है गैर लीज वाले भी क्रशर्स हैं। तो जब हम पिछले 2015 से देखें, 2015 से 2019 और 2019 से 2024 तक का जो सफ़र है, इस दोनों को जब तुलना करते हैं तो पता लगता है कि BJP की सरकार जब यहाँ पे झारखंड में थी तो उस टाइम उस समय सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और जो भी वैकेंसी है सभी निकलते थे और अच्छे से सबका कार्यवाहन होता था, सबको नौकरी भी लगती थी, सड़क में भी काम होता था। कांग्रेस OBC मोर्चा विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर राजकुमार यादव हैं। वर्तमान में हेमंत सरकार की नेतृत्व वाली सरकार भाई भूख भ्रष्टाचार डूबी है और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को उदासीनता उपेक्षा के कारण ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ झारखंड विकास मोर्चा में 14 वर्षों तक काम करने का अनुभव प्राप्त है, उससे प्रभावित होकर मैं चुनाव भाजपा में आ गया। क्या आगे भाजपा में ज्वाइन करने और आगे क्या कुछ रणनीति तैयार की और क्या करेंगे? भाजपा का जो नीति सिद्धांत है उसके अनुरूप चलने का काम करेंगे और एक संकल्प भी लिया गया है कि आगामी जो लोकसभा जो चुनाव होगी राज्य में लोकसभा से एक सांसद और विधानसभा का भी सभी सीटों में MLA निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बन जाने का। जो देश की परिस्थिति और राज्य की जो परिस्थिति है उसका जो देश में जो डेवलपमेंट आ रही है और झारखंड में उल्टा दिशा में विकास जा रही है, ये सब देखते हुए बहुत सोच समझ करके ही इस पार्टी में आए। किस पार्टी से भाजपा में? पहले हम कांग्रेस में AICC में थे लास्ट पर, अभी भाजपा में अभी हम ज्वाइन किए। आगे का क्या रणनीति? बस एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, जो भी पार्टी दायित्व देगी उसको मैं बखूबी निभाऊंगा।